हरियाली अमावस्या के अवसर पर दूध तलाई स्थित श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर पर पूजन अभिषेक पंचामृत द्वारा महारुद्र अनुष्ठान किया गया। वह भगवान का अद्भुत एवं दुल्हा स्वरूप श्रृंगार किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया। दूध तलाई स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर पर प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हरियाली अमावस्या पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के पुजारी पंडित कृष्णकांत जोशी ने बताया, भगवान दुधेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान के दर्शन महादेव को 1.25 क्विंटल युक्ति का भोग लगाया गया। रात्रि 8 बजे बाबा दुधेश्वर महादेव की आरती संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लेकर प्रसाद को ग्रहण किया। गौरतलब है कि यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। बताया यह भी जाता है कि हरियाली अमावस्या महापर्व एक बहुत ही अद्भुत पर्व है। विगत 40-50 वर्षों से यहां पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में माता बहनें एवं आसपास के श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं एवं प्रसाद ग्रहण करते हैं। संध्या को महाआरती संपन्न की गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तगण शामिल हुए और बाबा का दर्शन लाभ लेकर प्रसाद ग्रहण किया। पंडित कृष्णकांत जोशी, पंडित मुरली मनोहर जोशी द्वारा महाआरती संपन्न की गई। तो बताइए आज का क्या है महत्वपूर्ण दिन है? आज हरियाली अमावस्या का महत्व है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हरियाली अमावस्या का बाहर मंदिर परिसर में मेला लगा है, और आज मतलब सुबह से बाबा के दरबार में भक्तों का बहुत ही आगमन हो रहा है। अधिकतम बहुत भीड़ है, सुबह से प्रसाद वितरित किया जा रहा है। और आज हरियाली अमावस्या पर्व का जो महत्व है, वह यहाँ पे धानी मुख्य का महत्व है। यहाँ कुंड के अंदर कुमारी कन्या ज्वारे विसर्जित करती है, उसके बाद में एक कन्या दूसरी कन्या के मुख में धानी खिला के अपने उपवास का विसर्जन करती है, जो ज्वारे ठंडे करती है, वो उसका एक महत्व है। कितने दिन का उपवास रहता है? क्या ये उपवास रहता है? ये एकम से लेके तो अभी अमावस्या तक का, जो इच्छा मन प्राप्ति के लिए कन्याएं रखती हैं, कुंवारी कन्याएं, कि उनको मन इच्छा वर प्राप्त हो, इसलिए वर रखती हैं कन्याएं, और यहाँ आके अपना व्रत खोल के व्रत को संपन्न करती है। कितने बजे सुबह आरती हुई, शाम को कितने बजे आरती हुई? सुबह बाबा का महामृत्युंजय अभिषेक किया, पंचामृत अभिषेक हुआ, और सुबह प्रातःकाल आरती हुई। अभी संध्या को महाआरती रखी गई है, जिसमें समस्त भक्तगणों द्वारा बाबा की महाआरती संपन्न की जाएगी। और कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? सुबह से भी चल रहा है, भजन वगैरह चल रहे थे बाबा के, अभी शाम को भी सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है, और भी प्रसाद वगैरह वितरित किया जा रहा है, बाहर बांट रहे हैं, वो मेले का आयोजन चल रहा है। कितने घंटे रहता है मेले का आयोजन यहाँ पर? मेले का आयोजन जैसे अभी 4 बजे से मतलब महिलाएं माता बहनों का आगमन चालू हो जाता है, ये शाम को 9:30-10 बजे तक चलता है, आरती के तत्पश्चात तक। आपको कौन नाम? पंडित कृष्णकांत जोशी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।